कहानी की शुरुआत में एमी नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका बॉयफ्रेंड ये बोल रहा होता है कि वह कल मरने वाला है। अचानक से एमी जाग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वह एक सपना देख रही थी। एमी अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। रात को जब एमी की बहन जेन उससे मिलने के लिए आती है तो एमी से कहती है कि वह अपनी स्किन की एक लेदर जैकेट बनवाना चाहती है, जिसके लिए एमी ने इंटरनेट पर कुछ डिजाइन भी देख रखे थे। एमी ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वह कल मरने वाली है और मरने के बाद भी वह जैकेट बनकर किसके काम आना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हमें जेन को दिखाया जाता है जो अपने घर आती है और घर आने के बाद वह भी एमी की तरह बातें करने लगती है। वह अपने भाई को बताती है कि वह कल मरने वाली है। जेन की बात सुनने के बाद उस जगह पर मौजूद सभी लोग भी सोचने लगते हैं कि वह कल मरने वाले हैं। यह थॉट एक वायरस की तरह काम कर रहा था जो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर चला जाता था और उसे भी लगता था कि वह कल मरने वाला है। वह सभी लोग चाहते थे कि मरने से पहले वह अपने सारे अधूरे कामों को पूरा कर ले। जेन का भाई जेसन अपनी बेटी को भी वह बात बता देता है कि वह कल मरने वाला है, जिससे कि उसकी बेटी भी इन्फेक्टेड हो जाती है। जेन डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि वह बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ नहीं होगा। जेन उस डॉक्टर को कहती है कि वह कल मरने वाली है, जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो जाता है। वह डॉक्टर भागकर अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे भी इन्फेक्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में एमी को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड क्रेग से मिलने के लिए जाती है, जो कि एमी को सपने में बोल रहा था कि वह कल मरने वाला है। एमी देखती है कि वह सचमुच मर चुका था और उसके पास एक गन पड़ी थी, मतलब कि क्रेग ने सुसाइड किया था। इस बात से पता चलता है कि वह थॉट काफी ज्यादा खतरनाक था और इस थॉट से सच में ही लोग मर रहे थे।